टोटल आठ मसारिफ़ बयान किए हैं कुलूब साखित हो चुका है तो बाकी रह गए छः और उन छः में भी गुलामों का रिवाज भी ख़त्म हो गया तो बाकी रह गए पाँच और फिर उसमें भी मुसाफिर और मुजाहिद क्योंकि अब जो भी मुसाफिर होते हैं उनको भी अपने माल तक पहुँचना उनके लिए अब आसान हो गया है तो तकरीबन मुसाफिरों वाला भी सेटअप खत्म हो गया तो अब जक़ात के मुस्किन सिर्फ तीन किस्म के लोग ही बचे हैं फ़ारा मसाकिन और आमिलीन अच्छा इनमें आमिलों वाला सेटअप भी ख़त्म हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब जक़ात की वसूली के लिए लोगों को नहीं भेजा जाता और अच्छा है कि नहीं भेजा जाता क्योंकि अगर गवर्नमेंट आज के दौर में खुद से ज़कातें वसूल करना शुरू कर दें तो किसी गरीब को नहीं मिलेगी वो फिर हुकूमतों के पेट ही भरना शुरू होंगे हर जगह करप्शन है तो जक़ात में भी इसलिए जक़ात खुद ही दिया करें और गवर्नमेंट को कभी ये मशवरा ना दें कि वो जकवात अपने कंट्रोल में सिस्टम ले ले इससे धांधली पहले तो खलफ राशिदीन का दौर था अब अगर हुकूमत ने आमिलीन मुतिन करके जकआत लेना शुरू कर दी तो आमिलन अलग दो नंबरी करेंगे हुकूमत अलग करप्शन करेगी मुस्किन को कुछ भी नहीं मिलेगा तो यह आमिलीन वाला सेटअप भी तकरीबन खत्म हो गया तो अब दो ही रह गए हैं फकरा और मसाकिन और यह मैंने बताया कि सिर्फ इनमें एक थोड़ा सा फर्क है हकीकत में दोनों साहिब निसाब नहीं होते तो खुलासा यही निकला कि आज के दौर में जो भी साहेब निसाब नहीं है उसको जक़ात देना जायज है तो अब और आसान हो गया मसला हमारे लिए हां हजरत ईसा जब नाजिल हों और फिर वो दोबारा गुलामों का रिवाज अगर आ गया और फिर उनकी आजादी के लिए खर्च किया जाएगा लेकिन अब एक ही मशनफ रह गया है और वो क्या है जो भी साहेब निसाब हो उसको जकत अदा की जा सकती है अच्छा यहाँ एक और इमाम शाफी और इमाम हनीफा का बड़ा इखिला है वो मैं बयान करना भूल गया था वो भी मैं भी बयान कर देता हूँ, क्योंकि रुको मुख्तसर सात आ जाए तो अच्छा है वो ये के इमाम शाफी राहुल तजदीक जिसके लिए जकत मांगना हराम है उसको जकत देना भी हराम है जबकि इमाम अबू हनीफा के नजदीक जकत मांगने के मस, मसाइल अलग हैं यानी बाज लोग ऐसे हैं जिनके लिए जकवात मांगना तो हराम है लेकिन उनको जकत देने से जकत अदा हो जाएगी ये भी एक बहुत अहम इख्तलाफ है इसको भी समझें मिसाल के तौर पर इमाम हनीफा कहते हैं जो साहेब निसाब नहीं है उसको जक़ात दे सकते हैं यानी दो सौ धरहम से कम जिसके पास है ना उसको जकवात दे सकते हैं जिसकी तफसील में बारहा बयान कर चुका हूं पांच चीजें सोना चांदी माल तजारत नकदी और जरूर से जाए सामान तो इसको जकआत देंगे जकत अदा हो जाएगी लेकिन इसके लिए जकत मांगना जायज नहीं है अगर इसके पास दो टाइम का खाना है देखें जिस आदमी के पास दो टाइम के खाने के पैसे हों या पैसे तो नहीं है लेकिन जिसम में ताकत है दो टाइम का खाना कमा सकता है अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए तो इस पर उम्मत का अजमा है कि उसके लिए भीख मांगना हराम है चाहे जक़त की शक्ल में मांगे चाहे किसी भी शक्ल में मांगे यानी एक आदमी सुबह उठता है दोनों हाथ पांव सलामत है उसे पता है मैं कुदाल लेके जाऊंगा मजदूरी करूंगा आज मैं अपना भी पेट भर सकता हूं बच्चों का भी बीवी का भी और दो टाइम का आज मेरे पास है या उसके पास इतना राशन है घर में पहले से पड़ा हुआ है और कोई बीमारी भी नहीं है तो उसके लिए मांगना हराम है क्योंकि नबी अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने पर अगर आपको जरूरत नहीं है और आप भीख मांगे इस पर बड़ी शदीद वहीदे हैं आप सल्ला वसलम ने फरमाया जो भीख मांगता है क्यामत के दिन उसके चेहरे पर गोश नहीं होगा क्योंकि उसने अपने आप को लोगों के सामने जलील किया है तो अल्लाह उसके चेहरे से गोश हटा लेगा तो हाँ किसी दोस्त से कर्जा मांग लेना या वैसे ही उससे बेतकल्लफ़ी हो जैसे दोस्त आपस में कभी भाई तू आज पैसे दे दे, दे कल मैं दे दूंगा तो वो एक बेतकल्लुफ़ी वो एक अलग चीज़ है मैं यहां हमारी मुराद है जक़ात मांगना यह भीख मांगना किसी से भीख एक अलग चीज़ है बिल्कुल तो भीख मांगना जायज़ नहीं है उस शख्स के लिए जिसके पास एक दिन की जरूरत का इंतजाम हो तो इमाम शाफी कहते हैं कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं भी है लेकिन 24 घंटे वो अपनी बुनियादी जरूरतें खाने पीने की रिहाइश की पूरी कर सकता है उसके पास जगह है रह सकता है या कोई बीमारी भी नहीं है बड़ी के इलाज के लिए उसको पैसे चाहिए तो उसके लिए जकआात मांगना हराम है जब मांगना हराम है तो उसको देना भी हराम है तो ऐसे शख्स को अगर आपने जकत दे दी जिसके पास दो टाइम के खाने का इंतजाम है तो जकत इमाम शाफी के राय में अदा नहीं होगी जबकि इमाम मुनीफा के नजदीक जो भी साहिब साहेब नहीं है चाहे दो टाइम के खाने का उसके पास इंतजाम हो क्योंकि आप मैंने बताया था ना एक लाख रुपए साढ़े बावन तो लादी अभी जुलाई 2022 में ये कीमत बनती जुलाई या जून अगस्त सॉरी तो इसमें ये कीमत बनती है जुलाई और अगस्त में तो 2022 की बात कर रहा हूं अब अगर कोई 20 साल बाद हमारे लेक्चर सुने तो ज़ाहिर है उस वक्त तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका होगा तो साढ़े बावन तोला चांदी या 200 सौ द्रहम जो नबी का नबी के दौर में जो दिरहम था उसके हिसाब से 200 सौ द्रहम के बक़दर किसी के पास माल है तो उसको जक़ात नहीं दे सकते इससे कम कम है तो जक़ात दे सकते हैं बेशक उसके पास खाने का इंतजाम हो पीने का इंतजाम हो तो इमाम अबू रीफा के मदार है निसाब पर तो उसको जकवात देने से अदा हो जाएगी हां उसके लिए मांगना बहर जायज नहीं है तो आज यानी इस मसले में भी अगर हम इमाम शाफी की राय को लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि फिर ऐसा गरीब तो बहुत मुश्किल से मिलता है उसूली तौर पर तो एहतियात यही है कि इमाम शाफी की राय पर अमल किया जाए ताकि आप गरीब से गरीब आदमी जिसके पास खाने को रोटी नहीं है दो टाइम का अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है कोशिश तो ये करें कि इम शाफ़ी की राय पर अमल करें एहतियात पर अमल होगा और आपका पैसा इंतहाई गरीब और मुस्तक लोगों तक पहुंचेगा लेकिन बहरहाल इसमें मुश्किल है तो इमाम हनीफा की राय में आसानी है कि ठीक है जी उसके लिए मांगना तो जायज़ नहीं है लेकिन अगर आपने ज़क़़त दे दी और वो निसाब से कम का मालिक था तो ज़क़त अदा आपकी हो जाएगी तो इमाम हनीफा की राय में इस पर अमल करने में आसानी है और इमाम शाफी रही की राय पर अमल करने में एहतियात है लेकिन इतनी बात बहरहाल साबित हो गई कि आज जो हमारे यहां तोंदे भरी हुई होती हैं राशन एक महीने का घर में पड़ा हुआ होता है अंडे पराठों का इंतजाम होता है ऐसे लोग भी लोगों से जकवात मांगते फिर रहे होते हैं इस अमल के नाजायज होने में तो बहरहाल सबका इतफाक है कि ये आदमी भिकारी कहलाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वही सुनाई है कि क़यामत के दिन चेहरे पे गोश नहीं होगा ऐसी वही से डरना चाहिए तो इसलिए जकवात देने में तो आप ज़र्फ़ बड़ा करें जो भी निसाब से कम का मालिक है उसको दे दें बेशक लेकिन मांगने में आप जो है बहुत एहतियात करें अगर आपकी 24 घंटे की जरूरत का इंतजाम आपके पास है तो आप कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं अल्लाह यह कि कोई दूसरी जरूरत आ जाए जैसे इलाज की जरूरत आ गई कैंसर है कोई या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा आपका खर्चा आ रहा है तो एक अलग बात है तो ये भी एक इलमी नुकते की बात थी जो तफसील के दौरान रह गई थी और आगे जो है इसमें मुनाफिकीन का तस्करा है नबी सल्ला वसलम के अखलाक आलिया का हमें पता चलता है इसमें बड़ों का हमने यही अखलाक देखा है कि जब उनके सामने कोई बात कर रहा होता है तो वो उसके जाहिर को ले लेते हैं उसको सामने रसुआ नहीं करते तो नबी सल्हु वसलम भी मुनाफिक आके ऊट पटांग बातें करते रहते थे झूठ बोलते थे आप सल्ला वसलम के अखलाक थे कि उनकी बात सुन लेते थे उनके चेहरे पर उनके सामने रद्द नहीं करते थे तो ये अख्लाक का भी हमें पता चलता है लेकिन इसमें इतदाल ज़रूरी है पिछले रुकों में ये बात आ चुकी है कि हर एक के उज़र को कबूल करके उसकी बात मानकर उसको प्रोटोकॉल भी देना यह ठीक नहीं है उसमें सही और गलत में तमीज़ करनी चाहिए और हमें यह भी एक इल्मी नुक्ते की बात पता चलती है कि मुनाफिक बात बात पे कस्में उठाते थे हम सही हैं कुरान अक्सर जिक्र कर रहा है तो इससे पता चलता है कि ये जो हर आदमी आजकल बात बात पे कस्में उठाता है ना तो ये इसकी अलामत नहीं होती कि यह सच्चा है बहुत से लोग झूठ बोलने के लिए झूठी कस्में उठा रहे होते हैं तो जब भी किसी के पास कोई दलील ना हो ना तो महज उसकी कस्मों से मुतासर ना हुआ करें हाँ कोई नेक बुजुर्ग है जिसके बारे में पता है कि ये झूठ नहीं बोलते वो अगर कसम उठा लें तो मान लेना चाहिए कि भाई ये इतने बड़ा आदमी है झूठी कसम नहीं उठा सकता लेकिन नॉर्मली सिर्फ कस्मों पे लोगों की यकीन कर लेना और दलील का मुतालबा उनसे ना करना ये ठीक नहीं है आजकल लोग झूठ बोलने के लिए झूठा मूठा रो भी देते हैं और कस्में भी उठा लेते हैं ये दोनों काम मुनाफिन कसरत से किया करते थे और एक आखिरी बात यह कि दीनी चीज़ों का मजाक उड़ाना शार इस्लाम का मजाक उड़ाना ये भी बहुत ख़तरनाक है जैसे कि कुरान ने कहा अबिल्ला ही व आयाती ही व रसूल ही कुतुम तस्तह वो आज हम देखते हैं कि जो शायर इस्लाम है ना उनको भी लोगों ने एक मज़ाक बना लिया है अब आप देखें हज में रमी पे तस्वीरें आ रही हैं एक आदमी रमी ऐसे कर रहा है जैसे बॉलिंग करा रहा हो भागता हुआ आ रहा है और अपनी वीडियो भी बनवा रहा है ये भी मजाक है शायर इस्लाम के साथ इब्राहिम सलाम ने शैतान को कंकर मारे फिर हमारे पैगंबर पैगम्बर सैदुलंबिया ने उसकी नक उनकी नकल उतारी बिल्कुल एक शायर इस्लाम को जिंदा करने के लिए साहबा ने किया ये काम ये सारे काम संजीदगी से करने के हैं इनमें एक एंटरटेनमेंट के कैमरा लेके लोगों को बताना देखो मैं भाग रहा हूं और कोई जूते उठा, उठा उठा के मार रहा है ये एक मजाक है ये और इसको फिर एक्सपोज करना फिर उस पर लतीफ़े गढ़ना ये सब गलत है हज की एक ऐसी इबादत है बहुत संजीदगी से करनी चाहिए तो रमी करें अल्लाह के खौफ के साथ इब्राहिम आल साम का सुन्नत का जज्बा हो ये पूरा तस्वूर हो कि कैसे इब्राहिम आल्लाम अपने बेटे को यहां जबा करने ले जा रहे थे शैतान ने आके वर्गलाया और कैसे उन्होंने कंकरियां मारी उस जज्बे के साथ कंकरियां मारें फिर कंकरी मारने के बाद बहुत लंबी दुआ करना सुन्नत है अगर आप इसको एंटरटेनमेंट बनाएंगे तो दुआ में कहां दिल लगेगा आपका इसी तरह बकर के जानवर के साथ होता है जानवर जब, जब जबा होने लगता है कि इबादत का टाइम है आप इब्राहिम ने अपने बच्चे को लिटाया था अल्लाह ने आपको कहा कि तुम जानवर लिटा दो मैं यही समझूंगा जैसे बच्चा लिटा दिया तुमने तो उसमें अल्लाह की तरफ तवज्जो करने का वक्त है जिक्र करने का टाइम है उसको लोगों ने एंटरटेनमेंट बनाया होता है कोई गाय की दुम पकड़ के खींच रहा है कोई उस पर छलांगे मार रहा है कोई हंस रहा है कोई लतीफे बना रहा है इससे शायर इस्लाम की वैल्यू खत्म हो जाती है बकरीद पर लतीफे बन रहे होते हैं तो ये गलत है बकरीद के जो जो जानवर ब होते हैं जो कुर्बानी के जानवर उनका भी बड़े इज्जत और एहतराम से कुरान उनका तस्करा करता है कि ये जो है ये शायर इस्लाम है इनका इनकी तज़ीम दिल के तकवे की अलामत है तो इन जानवरों के साथ भी इस तरह का एटीट्यूड के बिल्कुल एक तोह दिल में बैठना शुरू हो जाए या जानवर ज़बह करते हुए उसको एक एंटरटेनमेंट का जरिए बना लेना यह भी मैं समझता हूँ इन्हीं आयात में दाखिल है जब जानवर को ज़बा करने के लिए लेटाएं अल्लाह का नाम पढ़ें सब अल्लाह की तरफ मुतवजे रहें इस खौफ के साथ के पता नहीं हमारी ये कुर्बानी कबूल है भी कि नहीं है अल्लाह से उम्मीद भी लगाएं कि शायद अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल कर ले तो ये वो एंटरटेनमेंट का हंसी मजाक का वक्त नहीं होता लेकिन आज उसको लोगों ने जानवर पड़ा होता है और उसके पे पेट पर पे कोई कूद रहा है कोई दुम पकड़ के घसीट रहा है कोई क्या कर रहा है और हा हू ही शोबाजिया बहुत बुरी हरकत है इससे भी बचना चाहिए तो जितने भी इस्लाम के शायर हैं जो इबादतें हैं तवाफ में मैंने देखा है अब हंसी मजाक कर रहे हैं लोग तवाफ में हंसी मजाक शुरू हो गया है बहुत अफसोस होता है तवाफ में उलमा कहते हैं इतनी अजमत बैतुल्लाह की दिल में होनी चाहिए आप अल्लाह के घर पर आयो सारी जिंदगी जिस बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे आज वो आपके सामने है आप उसका तवाफ कर रहे हो एक आप में रोब होना चाहिए एक अल्लाह की तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि अल्लाह मैं लाखों रुपए खर्च करके आया हूं तेरे घर का के चक्कर लगा रहा हूं दीवाना वार तो इस इबादत को कबूल कर ले वहां भी हमने देखा है तवाफ के दौरान सेल्फियां बन रही हैं कोई मुस्कुरा रहा है कोई जो है वो मजाक कर रहा है कोई ऐसे घूम रहा है जैसे यहां कोई खाने के बाद खाना हजम करने के लिए चहलकदमी करने के लिए आया हुआ है तो हमने अहलुल्ला को बुजुर्गों को नहीं देखा इस तरह से तवाफ करते हुए उन पर एक रोब होता है तो यही होना चाहिए मैं तवाफ़ कर रहा था मुझे याद है जब मैं पहले तीन चक्रों में रमल कर रहा था मुसलसल पीछे से कोई आवाज़ मार रहा था मुफ्ती साहब माशाल्लाह जबरदस्त सही रमल कर रहे हो और वाह वाह जबरदस्त मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार ठीक है आप मोहब्बत में कर रहे हैं आप कोई मेरी तोहिन की नीयत से नहीं कर रहे हैं। आप एक वैसे ही मुफ्ती साहब से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं लेकिन ये ये मौका नहीं है इसका आप भी अपने तवाफ में मशगूल रहें हमें भी अपने तवाफ में मशगूल रहने दें इस दौरान बातें करना और एक दूसरे की तवज्जो हटाना ये अच्छा नहीं लगता ये अमल ये बुरी बात है बाद में बैठ जाए तवाफ के बाद फिर जो भी मजाक करें जो गपशप लगाए आपकी अगर किसी से बेतकल्लुफ़ी है तो ये चीज इस दफा मैंने हज में नोट की कि भाई अब हज के जो शायर हैं उनमें भी लोग अब संजीदा नहीं रहे हैं तो ये सब चीजें बड़ी डेंजरस हैं कुरान की शायद का मजदाक है अल्लाह ताला में समझने की अमल की तौफीक कता फरमाए